हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, टुडे 13 दिसंबर 2020, सो एनटीएससी स्टेज वन राजस्थान इज ओवर। जब पेपर खत्म हो जाता है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए यार, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। ऑल्दो द पेपर वाज डेफिनेटली वेरी इजी, बहुत आसान पेपर था, ठीक है। इस पेपर में हमेशा आप देखेंगे कि जो पेपर्स होते हैं ना, उनमें जो लोग सिलेबस पर ध्यान नहीं देते वही फंसते हैं, जो लोग प्रॉपर ध्यान देते हैं सिलेबस पे वो कभी नहीं फंसते, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज़ सोशल स्टडीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान, ये बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। वो सब चीज़ें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस और ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से हो जाती हैं। किसी भी क्वेश्चन पेपर में सिलेक्ट होने के लिए एक ही चीज़ है कि आपको नॉलेज कितनी है और आप उसे अप्लाई कितनी अच्छी तरह से कर लेते हैं। और आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ाई की ज़रूरत है और नॉलेज को अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है। तो यार, अपना काम सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना है, बाकी बेकार की बातें करके इधर उधर का, जैसे कहते हैं ना कि ये कट ऑफ हो जाएगा और ये हो गया और वो हो गया, इट्स नॉट फॉर अस, है ना। वी पीपल आर डिफरेंट टाइप। मज़े से तुम तो वो देखो कि हाँ, अब हम क्या सुधार सकते हैं, इस पेपर को अच्छा या बुरा करने के बाद और फर्दर इम्प्रूवमेंट क्या लिए जा सकते हैं। तो मैं तीन शानदार क्वेश्चन है फिजिक्स के तीनों आपको सॉल्व करवाता हूँ और ये बताता हूँ कि हाँ, कई बार आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा, लेकिन हो सकता है थोड़े लेंथियर मेथड से शुरू कर सॉल्व किया हो, या आपका जो मेथड हो उससे बेटर भी कोई मेथड अवेलेबल हो, या कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके कंसेप्ट को फर्दर इम्प्रूव कर दें। क्योंकि यही सिलेबस, यदि आप साइंस बायो ऑप्ट करते हैं या साइंस मैथ्स ऑप्ट करते हैं, तो यही उठा के कहाँ जाना है, 12th में जाना है 10th वाला, और 9th वाला कहाँ जाना है 11th में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आई एम टॉकिंग अबाउट कोड 702B, सो दिस इज 702B और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने ब्रीफ कर दी है, ए सी अपॉन बी है क्या, वट इज ए सी अपॉन बी, वेयर ए इज द फोर्स, बी इज द मोमेंटम एंड सी इज गोइंग टू बी इज द डिस्प्लेसमेंट। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ आपको एनटीएससी स्टेज वन में नजर आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एनटीएससी स्टेज टू में नजर आएगा, और फिर मैं लिखित में गारंटी देके कह सकता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आप फेस कर सकते हैं नीट में, दैट इज मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस तरह का क्वेश्चन आप फेस कर सकते हैं जेई में, दैट इज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी एज अ सॉल्यूशन हियर, सॉल्यूशन ऑफ 3, और मैं स्मार्ट प्रोसेस से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पहले स्मार्ट अप्रोच लिख दिया जाता है, एकेडमिक स्मार्ट बेटा, है ना, बालों में जेल लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, डिओड्रेंट लगा के स्मार्ट नहीं होता आदमी, स्मार्ट अप्रोच होती है आपका काम करने का तरीका क्या है, हाउ मच सॉल्यूशन ओरिएंटेड यू आर, ठीक है ना, क्या आपका वजूद है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, तो स्मार्ट अप्रोच में ए इज फोर्स, बी इज मोमेंटम, सी इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जो है यहां पहले नोट करता है फोर्स को, ध्यान दीजिएगा, और फिर उसे पता है कि मोमेंटम जो था उसकी एक यूनिट तो हुआ करती थी केजी इनटू मीटर अपॉन सेकंड, इट इज एम इनटू वी, बी क्या फल है ना, पढ़ाया मैंने तो आपको क्रेडिटी वाली क्लासेस पे, तो ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन एक और यूनिट थी, दैट वाज गोइंग आउट टू बी एस न्यूटन इनटू सेकंड, ये प्रूव किया था हमने, क्योंकि ये केजी इनटू मीटर अपॉन सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी नीचे भी, तो ये हो जाता है केजी इनटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, और केजी इनटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन, तो ये चीज बन गई थी, दैट इज न्यूटन इनटू सेकंड। अब जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रेन है, वर्क कल्चर है, वो कहता है कि सर दिस विल नॉट बी सो यूजफुल, क्यों, क्योंकि हमारे पास फोर्स है, तो दिस न्यूटन इनटू सेकंड विल बी ए यूजफुल यूनिट, एग्रीड, सो आई विल गो फॉर मोमेंटम के लिए मैं न्यूटन इनटू सेकंड को यूज करूंगा, और फोर्स के लिए मैं न्यूटन को यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं मीटर यूज कर लूंगा। और स्टूडेंट कहता है ये लीजिए सर, एक सेकंड में हो गया, ए मींस फोर्स, ए मींस फोर्स, सो ए सी अपॉन बी पे काम कर रहा है, ठीक है ना, ए मीन व्हाट, जल्दी से बोलिएगा, फोर्स, इट इज न्यूटन, सी मींस व्हाट, फास्ट, इट इज डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज मीटर डिवाइडेड बाय, then it is B, B is momentum,
that is Newton into second. Newton get cancelled out and it goes out to be as meter upon second, and meter upon second is what velocity or speed. Or student ne utha ke tick kar diya that this velocity will be the answer for it. Agreed. Ye approach hai, that is the most efficient approach. अब क्या होगा कि जब मैं यहां मोमेंटम की यूनिट्स लिख रहा हूं, दैट मोमेंटम इज मेजर्ड इन केजी इंटू मीटर पर सेकंड अपॉन न्यूटन इंटू सेकंड, तो यदि बच्चा ब्लैंक हो गया, उसे यह पता लगा कि यार मुझे तो एक ही फॉर्मूला मालूम था एम इंटू वी, और उसके अकॉर्डिंग तो यूनिट आती थी केजी इंटू मीटर पर सेकंड, तो मुझे तो न्यूटन इंटू सेकंड आता ही नहीं है. मींस उस स्टूडेंट का प्रिपरेशन अच्छे लेवल का नहीं है. ठीक है ना, लेवल तो ये आता है कि सर बोथ आर अवेलेबल, व्हाई आई एम अप्लाइंग न्यूटन इंटू सेकंड, बिकॉज मुझे पता है कि यहां न्यूटन है, देयर इज अ चांसेस ऑफ कैंसिलेशन देयर. एग्रीड? तो स्मार्ट अप्रोच कहती है ए सी अपॉन बी, ए इज व्हाट फोर्स न्यूटन, सी इज व्हाट displacement meter, b is what momentum, that is Newton into second, Newton get cancelled out, meter upon second, and the answer is velocity. Agreed? कई बार क्या होता है, मैं आपको जिसे कहते हैं foolish approach बताता हूँ एक. Usually जो कि जब बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते हैं ढंग की, ठीक है ना, अब उसके कई कारण हो सकते हैं, उस पर हम बातचीत नहीं करना चाहते, बट दिस इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच जहां उसने उठा के लिखा ए सी अपॉन बी. अब ए क्या है, फोर्स, तो उठा के लिखता है न्यूटन. सी क्या है आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट मीटर. फिर लिखा जाता है व्हाट इज गोइंग आउट टू बी एज बी, इट इज मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज के जी इंटू मीटर अपॉन सेकंड. एग्रीड? फिर न्यूटन को उसको एक फॉर्मूला याद है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इट इज फोर्स दैट इज इक्वलेंट टू केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर. एग्रीड? तो फिर यहां न्यूटन को स्टूडेंट लिखता है केजी इनटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय केजी इनटू मीटर अपॉन सेकंड. फिर कैंसिल करता है केजी से केजी, मीटर से मीटर. एग्रीड? एंड देन क्या हुआ आपके पास में, ये न्यूटन इनटू मीटर, केजी इनटू मीटर अपॉन सेकंड, एंड अब आपके पास बचा दैट इज मीटर. एक सेकंड से ये एक सेकंड कैंसिल, डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर इनटू सेकंड इज व्हाट, मीटर अपॉन सेकंड इज व्हाट वेलोसिटी. This is, I don't think that it is a good approach, although it is not incorrect. But because wastage of time आता है और यहाँ शो होता है we are not prepared. देखो coaching का basic meaning समझना चाहिए. Coaching का meaning होता है that how efficiently you are utilizing your knowledge. Coaching का पहला portion है that is imparting of knowledge. सबसे पहले हम पढ़ाते हैं, बट पढ़ाना ही कोचिंग का मीनिंग नहीं है. ठीक है ना, इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज ये तो एसेंशियल पार्ट है, बट उसके ऊपर एक और पार्ट होता है हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज एफिशिएंटली. तो मैंने पहले तो शो किया है कि ये नॉन एफिशिएंट यूज ऑफ नॉलेज है, लेकिन इससे पहले जो स्मार्ट अप्रोच थी दैट वॉज एफिशिएंट यूज ऑफ नॉलेज. तो आप अच्छे बच्चे हैं, आप कर देंगे. आई होप कि आप सब लोगों ने ये करेक्ट किया होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया. बाकी क्वेश्चन इनमें बहुत आसान थे, फॉर्मूला बेस्ड थे. मैंने आपको पहले, आप देखिएगा क्या ट्रांसपेरेंसी हम कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रेडीजी कोटा पे लेते हैं. एंटायर नेशन पे चले जाइए, एंटायर नेशन पे मेरा चैलेंज है ये. इज दैट क्लियर? एक भी इंस्टीट्यूट की ये हिम्मत नहीं थी कि आपको ओपनली ये बता दे दैट व्हाट आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. होते ना ज्योतिषी, बाद में तो ये आ जाते जब इंसान की डेथ हो जाती है, अरे इन पे तो राहु लगा हुआ था, अबे इन पे तो केतु का साया था, अबे पहले बताता ना, पहले बताता मुझे कि ये हो रहा था तो मैं कहीं ना कहीं सेव करने की कोशिश करता. अब तो मर गया, अब तो कोई भी कुछ भी ज्ञान बांट देगा. देर वॉज नो वन, एक भी पूरे के पूरे, मैं एंटायर कंट्री की बात कर रहा हूँ चैलेंजिंग वे में, ठीक है ना, क्योंकि आई एम वर्किंग विद द प्रूफ्स. हमने ओपनली कहा, फेसबुक पे मैंने शेयर किया कि मैंने बहुत स्टडी किया है, मैंने देखा है, मैंने प्रॉपरली वॉच आउट किया है कि रिड्यूस सिलेबस किया है, और फिर मैंने वहां लिखा कि भाई मोशन इज इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट, देन इट इज रे ऑप्टिक्स, जहां आप रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है, इस बार इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो हटा दिया था सिलेबस में से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हटा दिया था. यू गेट सरप्राइज्ड आउट
मैंने आपको स्पेसिफिकली एक ही पावर लिखा था, इलेक्ट्रिक पावर, और उस पर क्वेश्चन है। एक सिंगल टॉपिक लिखा और उस पर क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि वो स्पेशली मेंशन था। तो चलिए, आप तो बस फॉलो करते रहिए हमें और आगे बढ़ते रहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करके बताता हूँ, 12। मैंने फिर से क्वेश्चन को ब्रीफ फॉर्म में लिख रखा है, आप समझ जाएंगे। बल्ब इज अ डिवाइस, ठीक है ना। मेरा इलेक्ट्रिक करंट के शायद 12 लेक्चर्स हैं, आपको कभी मौका मिले तो आप रिक्वेस्ट भेजिएगा, हम डेफिनेटली वो 12 लेक्चर्स आपको दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर कुछ टाइम स्लॉट में, ठीक है ना। उसके लिए आप व्हाट्सअप कीजिए, बाकी लोग किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, बट वी कैन गो फॉर इट। तो एक बल्ब है, बल्ब इज अ रेजिस्टिव डिवाइस, मुझे बल्ब का रेजिस्टेंस चाहिए। और कितना सिंपल है देखिएगा, और क्या दे रखा है कि ये जो बल्ब है इसके लिखा हुआ है 220 वोल्ट 10 वॉट, एग्रीड है ना, 220 वोल्ट/10 वॉट का बल्ब है, और इस बल्ब का रेजिस्टेंस आपको पता करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, एग्रीड। तो यार बहुत इजी है, आपके पास पता है कि इतना जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे V, तो ये इतनी पावर कंज्यूम करता है। ध्यान से समझना, नो नीड टू अप्लाई मोर देन 220 वोल्ट, बिकॉज द बल्ब गेट फ्यूज्ड आउट। ये बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं, यहां उतनी जरूरत नहीं है। तो ये 220 वोल्ट 10 वॉट क्या कहता है, 220 वोल्ट 10 वॉट कहता है कि जब बल्ब के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आप 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो वो 10 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो वो 10 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। ये है, मोर देन 220 वोल्ट अप्लाई नहीं करते बिकॉज बल्ब फ्यूज हो सकता है, लेस देन 220 वोल्ट करोगे तो इट इज अंडर यूटिलाइज्ड, इट इज अंडर यूटिलाइज्ड। इज दैट क्लियर? आपके पास में 10 सीटर कोई व्हीकल है और रोज उसमें सिर्फ 2 लोग बैठ के जाते हैं यार, तो 8 सीट्स तो रोज खाली जा रही है ना। आप 2 सीटर पे ही काम कर सकते थे, या 3 सीटर पे, या 4 सीटर पे। यू आर हैविंग अ 10 सीटर व्हीकल एंड यू आर जस्ट 2 persons, इट इज इनएफिशियंट यूटिलाइजेशन। तो लेस देन 220 लगाओगे तो नॉन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द बल्ब होगा, आपको कम रोशनी देगा, है ना। मोर देन 220 वोल्ट लगाओगे तो फ्यूज होने का डर है, आप 220 वोल्ट लगाइए और 10 वाट की पावर यूज कीजिए, ये 10 वाट की पावर को कंज्यूम करके लाइट में बदल देगा, ठीक है। तो ये पावर है, और ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपने कहा सर पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, अब ये काम टीचर का है, यही फॉर्मूला क्यों लगाया, P इक्वल्स टू वी आई क्यों नहीं लगाया, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर क्यों नहीं लगाया। तो P इज इक्वल्स टू वी आई फॉर्मूला है, नहीं लगाया मैंने, ठीक है। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर फॉर्मूला है, नहीं लगाया मैंने। अरे मेरे पास करंट ही नहीं है यार, जब करंट नहीं है तो मैं क्यों जबरदस्ती में पहले करंट कैलकुलेट करूं, दिमाग थोड़ी खराब है यार, इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है ना। तो P मेरे पास है, V मेरे पास है, R कैलकुलेट करना है, सो R शुड बी इक्वल्स टू डेफिनेटली V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, है ना। V स्क्वायर में आप कर दीजिए 220 into 220, कोई कैलकुलेशन की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, एंड देन डिवाइडेड बाय P, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 यू करके, ठीक है। दिस इज 220 into 22 into 22 into 10, सॉल्व कर लीजिए एंड यू आर गेटिंग द आंसर। भाई ये डेफिनेट बात है, 20 20 400, तो 4000 से ज्यादा जो वैल्यू है, दिस इज योर आंसर। सो दिस इज विच क्वेश्चन देयर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, एग्रीड। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बट ये क्वेश्चन सीधा मैंने लिखा था इलेक्ट्रिक पावर पे आना चाहिए। आप देखिएगा फेसबुक पे जाके मेरी, देव शर्मा के नाम से, आपको वहां पे एक टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा, इलेक्ट्रिक पावर, दिस इज 10 वॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन रह गया, दिस इज 11th क्वेश्चन। ये लैंग्वेज प्रोफाइल पे बेस्ड था, और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा जिन भी लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है वो थोड़े फंस सकते थे। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, एग्रीड। बेटा आवाज आ रही है मुझे तुम्हारी यार, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। तो ये जो रिफ्रैक्शन आपका वर्ड है ना, इसमें एक
बहुत इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं देयर इज अ फिनोमिनन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने, तो मैं एक बार काम करके दे देता हूं आपको. सो दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ इंटरफेस. बहुत ध्यान से समझा कीजिए सब चीजों को. एंड इसके नीचे आप देखेंगे तो हेयर इट इज मीडियम वन एंड हेयर इट इज मीडियम टू एंड डी ऑब्लिक एम का मतलब है इट इज अ डेंसर मीडियम और आर ऑब्लिक एम का मतलब है इट इज अ रेयरर मीडियम, है ना. जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयरर और जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इट इज अ डेंसर. पहली कंडीशन है इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट अ रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. मैं ले जाता हूं आपके सामने. सो दिस गोज आउट टू बी दिस वन देयर एंड दिस इज इंसिडेंट रे. अभी मैं यहां बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं बता सकता बट ये नॉर्मल तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार. नॉर्मल टू ये आपका इंटरफेस है. इट इज इंटरफेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरफेस. सॉरी ये इंटरफेस ही आपको बताता है कि मीडियम डिफरेंट हो गया. बिलो इट मीडियम वन, अबव इट मीडियम टू. बिलो द मीडियम इज डेंसर, अबव मीडियम इज रेयरर. इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस. इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर. इट कैन बी ग्लास. अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में भी ज्यादा है, एयर के रेस्पेक्ट में भी ज्यादा है. सो ग्लास इज डेंसर एज कम्पेयर टू वाटर एज कम्पेयर टू एयर. लेकिन आप ये कहो कि भाई एयर के रेस्पेक्ट में, तो एयर के रेस्पेक्ट में आपका ग्लास और वाटर दोनों ही डेंसर है. वाटर इज डेंसर एज कम्पेयर टू एयर, ग्लास इज डेंसर एज कम्पेयर टू एयर. तो ग्लास से वाटर में ले जाओ, यस डेंसर टू रेयरर. वाटर से एयर में ले जाओ, यस डेंसर टू रेयरर. और ग्लास से एयर में ले जाओ, यस डेंसर टू रेयरर. तो आपका जो रे है वो ये इंसिडेंट रे है, दिख रहा है आपको, ठीक है. ये आपका इसे कह दीजिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये परपेंडिकुलर है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होता है. ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होता है और परपेंडिकुलर किस पे है, इस इंटरफेस पे है. इट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस एंड पासिंग थ्रू. नॉर्मल जो होता है वो इंटरफेस पे परपेंडिकुलर होता है और पास आउट होता है कहां से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब आप कहोगे सर दिस इज गोइंग आउट टू बी एज, ये क्या है हमारे पास में, ये ओरिजिनल पाथ है और आपका रे डेविएट हो जाता है और आपका रे डेविएट होके इट इज लाइक ब्लू रे, ये रहा ये वाला यो आ जाता है एंड दिस इज नोन टू बी एज रिफ्रेक्टेड रे. ये आपकी रिफ्रेक्टेड रे है और ये आपका ओरिजिनल पाथ है, ये यो जा रहा था रे. तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रेक्टेड रे और आपको पता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे इट इज नोन टू बी एज एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन. एंगल बिटवीन रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन. इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्वेश्चन क्या था वो समझ लीजिए कि जब आपके पास में दिस एंगल आई इज इक्वल्स टू सी, एंगल आई इज इक्वल्स टू सी एंड वी कॉल दिस सी एज क्रिटिकल एंगल. ये सी क्या है आपका, क्रिटिकल एंगल है. और आई जब सी के इक्वल होता है तो ये एंगल आर किसके इक्वल होता है आपका, 90 डिग्री के इक्वल होता है. अब यदि आई ग्रेटर देन सी हो गया, आई ग्रेटर देन सी हो गया तो रे वापस घूमकर उसी मीडियम में आ जाता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल देन द रे कम्स बैक इन टू द सेम मीडिया व्हेन इट इज रेडी टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. दिस फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन है दैट द रे शुड हैव टू मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. पहली द रे शुड हैव टू मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम और दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है ये रे वापस से निंदर आ जाती है एंड द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. इज दैट क्लियर. ये जितने भी ऑप्टिकल फाइबर हैं जिनसे आप कमाल की 5G स्पीड लेते हैं,
इट इज बेस्ड ऑन दिस फिनोमिनन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़ोगे. मैं यहां बता सकता हूं बट यहां उचित नहीं है थोड़ा सा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग, बट इट इज अ ग्रेट फिनोमिनन. कंप्लीट ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ओएफसी जिसको कहते हैं आप, व्हाट यू आर कॉलिंग ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एंटायर, इस समय जो इंटरनेट है जो एंटायरली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पे है. ठीक है ना, जगह जगह आपको कलर्ड केबल्स दिखाई देती हैं. ठीक, जैसे अभी आप रिलायंस जियो को देख रहे होंगे, उसकी केबल्स हैं सारी. ठीक है, उसके थ्रू आप टीवी भी ले रहे हैं, उसी के थ्रू आप फोन भी ले रहे हैं. ये सारा का सारा वर्किंग किस पर बेस्ड है? द फिनोमिनन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, रे कम्स बैक हो जाएगी, एनर्जी लॉस नहीं होता है यहां पे, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल है. आपसे पूछा गया था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी आर. इज दैट क्लियर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा व्हेन आई इज इक्वल्स टू सी. तो जब आई इज इक्वल्स टू सी है, आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, फोर ऑप्शंस थे. तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में स्टूडेंट फंस सकता था, बाकी कहीं और जरूरत नहीं थी. मुझे मालूम है कि लैंग्वेज पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, ये मुझे मालूम है. तो बहुत सारे बच्चों से जब मैंने बात की, वो डेफिनेटली थोड़े से वहाँ फंसे हुए मिले मुझे, एग्रीड. बट अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना. बस पढ़ना पड़ता है यार, बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ता है. आप इस एंटायर पेपर का यदि एनालिसिस करेंगे तो मैथ्स में आप देखेंगे कि लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट इज स्टैटिस्टिक्स, एग्री, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ था. और बहुत आसान आसान से क्वेश्चन थे पढ़ने वाले लोगों के लिए. इवन कुछ दिनों पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल मैथ्स में पढ़ा रहा था छोटे बच्चों को. तो एक आपके पास में ट्राइंगल है जिसकी साइड्स या एंगल्स का रेशो दे रखा था, दैट दीज एंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4:5, फाइंड द हाईएस्ट एंगल, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था. आप देख लीजिएगा पुराने YouTube के वीडियोस पे अवेलेबल, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही क्वेश्चन था. तो मैथ्स वाज सिंपल, केमिस्ट्री थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट था, अलग लेवल था उसमें. ठीक है, बायो वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड फिजिक्स मैंने बता दिया बहुत आसान था आपके लिए. सारा गेम यहाँ सोशल साइंस का है. और मैट जो था आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इट वाज डेफिनेटली इजी. मैट में एक ही चीज यहाँ पर डिफरेंट थी इस बार, कि कोर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस नहीं आए थे. ठीक है ना. लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपसे एक बहुत क्रिटिकल बात कर रहा हूँ. होता क्या है कि आजकल ये एनालिसिस का काम बच्चे खुद करने लगे हैं यार. तो जो उनका बेसिक वर्क है वो तो वो करते नहीं है, वहाँ क्या आया था, वहाँ क्या हुआ था. तो फिर वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता और 1857 की क्रांति, अबे तुझे क्या लेना देना है बच्चे, क्वेश्चन कर, अच्छे क्वेश्चंस कर, क्वेश्चंस को जल्दी करने के सारे मेथड्स ढूंढ, तेरे जितने भी कंसेप्ट हैं उनको सुधार. तो एनालिसिस का काम टीचर का है, ठीक है ना, और किसी का नहीं है. ठीक है, और इस काम पर उन्हीं को ध्यान देना चाहिए. आजकल ये एनालिसिस वाला एक ट्रेंड हो गया, बच्चे उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. आई एम सेइंग टू पेरेंट्स दैट उनको इन्वॉल्व मत होने दीजिए, उनको इन्वॉल्व करिए कि स्टडी कैसे करना है और स्टडी क्या करना है और कहाँ करना है. इट इज वेरी नेसेसरी टू स्टडी विद ट्रथफुल पीपल, इट इज वेरी नेसेसरी टू स्टडी विद ट्रथफुल टीचर्स. ट्राई टू गो अवे फ्रॉम द ड्रामेबाज. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आपने देखा होगा ना कि ये जब से ऑनलाइन आया है तब से तो पता नहीं कमाल हो गया, लोग बड़े बड़े हिल हिल के, चिल्ला चिल्ला के, पता नहीं क्या क्या करके जो है ड्रामा कर रहे हैं. तो बच्चे का सारा ध्यान ड्रामे पे चला जाता है, पढ़ाई से हट जाता है, और उसके परिणाम आप देख रहे होंगे. ठीक है ना. मैंने ये सब चीज़ें आपको इसलिए कह दी कि एक ट्रथफुल टीचर होने के नाते शिक्षा को शोषण से बचाना मेरा काम है, वरना होगा कुछ नहीं. ये बच्चे 4-5 साल बाद सब समझ जाते हैं, पर तब तक भविष्य समाप्त हो चुका होता है ना भाई. जिस दिशा में आप जाना चाह रहे थे वहां से तो भटक गए. हालांकि जीवन बहुत लंबा है, लाइफ इज अ वेरी बिग कैनवास, उस पर जब चाहे जब आप जैसा अच्छा पेंट करना चाहे कर सकते हैं. बट पेंट करने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, कूची उठानी पड़ेगी. ठीक है ना, एफर्ट बिना कुछ नहीं हो सकता, और वो एफर्ट राइट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं. ठीक है, तो
आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको कहिए कि वो सोशल साइंस की स्टडी पे यदि एनटीएससी क्रॉस करना चाहते हैं तो ध्यान दें, करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, थोड़ा सा स्टडी का जो कल्चर है उसको इम्प्रूव करें। और आप, मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ मैंने जो पहला क्वेश्चन करवाया था ना यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, अब क्या होता है इतने बेवकूफ़ बच्चे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं आज की तारीख में, नाइन्थ के बच्चों को आप ये चीज़ पढ़ा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि टेंथ में तुझे टाइम नहीं मिलेगा यार, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो नाइन्थ में ढंग से यूनिट्स को पढ़ना नहीं चाहता, वो देखता है अरे यार मेरी एनसीईआरटी की बुक में तो ये नहीं है तो क्यों करूं मैं। तो फिर ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते यार। देखो कंपटीशन है, कंपटीशन के लिए दूसरों से ज़्यादा भी पढ़ना पड़ता है और बेहतर भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप दूसरों से अच्छा भी पढ़िए और ज़्यादा भी पढ़िए, ठीक है। खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।